Good Father. भले पिता. How blessed it is to hear of those that follow you with all their hearts. उनके जीवन के बारे में सुनना जो अपने पूरे दिल से आपके पीछे चलते हैं कितनी आशीष की बात है. We want to be a sanctified people. हम तो पवित्रीकरण पाए हुए लोग बनना चाहते हैं. Faithful to the end. जो अंत तक विश्वास योग्य रहे. You have blessed us with a cloud of witnesses around us. आपने हमारे चारों तरफ गवाहों का बादल छाया रखा है. Now Lord, help us to be worthy of the blessed Lord and His holy name. अब हमें इस लायक बना कि आपके पवित्र नाम के लायक कहलाने लायक हम बन सकें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. My dear friends, we have our testimony of Danny and so on. It has reduced our time, but the message I always hold as central. हालांकि अभी गवाही सुनने में थोड़ा समय ज्यादा गया है, लेकिन सभा का मुख्य भाग परमेश्वर से मिला हुआ संदेश रहता है. आई डोंट लाइक टू इनकन्वीनियंस यू. मैं आपको नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो. देर आर सम ऑफ यू इन हू हैव बीन टू द मूवीज एंड एट 1 o'clock यू वर सीटेड देयर. आप में से ऐसे भी हैं जो फिल्में देखने के लिए आधी रात को 1 बजे भी बैठे हैं. Let's turn to John chapter 1. योहन्ना पहले अध्याय पर हम ध्यान लगाएंगे. You know, this is a very familiar question. ये जाना माना सवाल है. 19th verse. 19वां पद. John 1st chapter 19. योहन्ना पहला अध्याय और 19वां पद. This is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him. योहन्ना की साक्षी यह है जब यहूदियों ने उसके पास यरूशलेम से याजकों और लेवियों को पूछने के लिए भेजा. Who art you? Who art thou? तू कौन है? तू कौन है? You know, when he was preaching with such authority, जब वो बड़े अधिकार के साथ वचन का प्रचार कर रहा था, I suppose quite a number of them were upset. मुझे निश्चित है बहुत से उनमें से याजकों में से लोग नाराज हो गए होंगे. And he confessed and denied not. उसने कबूल किया. Confessed, I am not the Christ. उसने मान लिया और अस्वीकार नहीं किया, वरन मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं. And they asked him, what then? Art thou Elias? तब उन्होंने पूछा, फिर तू क्या है? क्या एलिया है? And he said, I am not. उसने कहा, मैं नहीं हूं. Art thou a prophet? क्या तू एक नबी है? And he answered, no. उसने कहा, नहीं. Who art thou? आप कौन है? What sayest thou of thyself? तू अपने बारे में क्या कहता है? He said, उसने कहा, I am the voice of one crying in the wilderness. मैं तो
23वां पद उसने कहा मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, यू नो व्हेन अ प्रीचर गेट्स इन्फ्लेटेड विथ हिज ओन इम्पोर्टेंस, जब एक प्रचारक अपने ही बड़प्पन को लेकर फूल जाता है, He becomes like that frog which exploded. वो उस मेंढक की तरह हो जाता है जो फूल कर फट गया था। Now I hope you won't be like that. मैं आशा करता हूँ कि आपकी वैसी हालत नहीं होगी। But you know, I heard a famous preacher over the television or radio. And he said, एक जाने माने प्रचारक को मैंने जब रेडियो या टेलीविजन पर सुना, उन्होंने ये बात कही, There is no competition like the competition which there is between preachers. बोले ऐसी प्रतियोगिता मैंने कहीं नहीं देखी जैसी प्रतियोगिता प्रचारकों के आपस में होती है। I was so shocked. मैंने जो सुना मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। I have never competed with anybody. मैंने कभी किसी से प्रतियोगिता नहीं की। I have said I am not in that kindergarten game. I am first, you're second. मैंने कहा मैं बच्चों के इस खेल में नहीं लगा हूँ, मैं पहले नंबर पे आया, तू दूसरे नंबर पे आया। I dare not say that. मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। The last shall be first and the first shall be last. जो आखिरी है वो पहला। Let's wait until then. I don't care to be the biggest or the latest. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं सबसे आधुनिक हूँ या सबसे बढ़ चढ़ कर हूँ। प्रभु का वचन कहता है जो अंतिम है वो पहला होगा और जो पहला है वो आखिरी ठहरेगा। Now there are some people who even call themselves apostles and prophets. ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को प्रेरित और नबी कहकर बुलाते हैं। प्लीज डोंट बी लाइक अ चीप यूनिवर्सिटी दैट गिव्स टाइटल्स ऐसी सस्ती डिग्रीज यू नो ऐसा सस्ता डॉक्टरेट ऐसा सस्ता विश्वविद्यालय मत बनो जो तुम्हें सर्टिफिकेट देता है कुछ पदवियों की। Who are you? तू कौन है? My, that's a very difficult question to answer. ये बड़ा कठिन सवाल है जिसका जवाब देना भारी है। You know, when Isaac जब मैं कहता हूँ blind, and needed to pass on the blessing of Abraham, जब अब्राहम की आशीष को आगे पहुंचाना था, he asked his son Jacob, उसने अपने बेटे याकूब से पूछा, Who are you? तू कौन है? And Jacob replied, I am Esau, your eldest boy. याकूब ने पलट कर जवाब दिया, मैं तो एसाव हूँ, आपका बड़ा बेटा। You would call that impersonation. आप बोलोगे ये तो तूने दूसरी की जगह ले ली है। In fact, modern life makes us those who are just impersonating. आधुनिक जीवन ऐसा है as we are. We put on a big, you know, facade.
आधुनिक जीवन शैली ऐसी हो गई है कि आदमी ईमानदारी से ये नहीं दिखाता कि वो असलियत में क्या है, एक नकाब पहने रहता है। Look at that. जरा देखिए। Who are you? तू कौन है? I am not even a prophet either. मैं तो नबी भी नहीं हूँ। Now the Lord Jesus Christ said, of those that are born of women, no one is greater than John the Baptist. लेकिन प्रभु ने कहा था कि औरतों से पैदा हुए जनों में कोई ऐसा नहीं जो यूहन्ना से बढ़कर हो। But look at that humble attitude. उसके नम्र नजरिए को देखिए। You know, humility is a very beautiful thing. नम्रता बहुत ही सुंदर चीज है। Unfortunately, we live in a crowded city. Not that we should give excuses on that account. हम भीड़ भाड़ वाले नगरों में रहते हैं, लेकिन ये कोई बहानेबाजी की बात नहीं है। Pushing, shoving, धक्का मुक्की, बस में चढ़ने के लिए भी धक्का मुक्की। What does that show? ये क्या दिखाता है? No consideration for anybody else. दूसरे के लिए जरा सी भी परवाह नहीं। Now, you know, he went on to say in verse 30. और 30वें पद में उन्होंने ये बात आगे कही। This is he of whom I said, after me cometh a man which is preferred before me. यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे बढ़कर मेरे आगे है। Why didn't he say, I am older? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, अरे मैं तो इससे बड़ा हूँ? You know, many people think, बहुत से लोग सोचते हैं, old age is everything. बुजुर्गपन सब कुछ है। I see the defects that come to people in old age. मैं इस बात को देखता हूँ कि जब उम्र बढ़ जाती है तो लोगों में किस तरह की खामियां आनी शुरू हो जाती हैं। एंड पर्सनली आई फाइट देम। और खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं उन चीजों से लड़ता हूं। नाउ जॉन द बैप्टिस्ट कुड हैव राइटली क्लेम, आई एम ओल्डर देन यू, यू आर माय यंगर कजिन। योहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस बात को बड़ी आसानी से कह सकता था कि मैं तो तेरे से बड़ा हूँ, तू मेरा छोटा चचेरा भाई है। No, he said, उसने कहा, First he pointed to Jesus and said, Look at the Lamb of God. सबसे पहले प्रभु यीशु की ओर इशारा करते हुए उसने बिचेलों से कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। See, and then added, This is he who is preferred before me. ये वही है जो मुझसे बढ़कर है। For he was before me. क्योंकि वो मुझसे पहले था। What more did he say? और उन्होंने क्या कहा? I am not worthy to stoop down and unloose his shoes. मैं इस लायक भी नहीं कि झुककर उनके फीतों को खोलूं। Just imagine what your life will be if you have such an attitude. जरा कल्पना कीजिए, अगर आपका नजरिया ऐसा हो जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, तो आपका जीवन कैसा होगा? You know, when I checked a little on Margaret Thatcher, Margaret her life,
मार्गरेट सैंडर जी के जीवन को जब मैंने थोड़ा कुछ जांचने की कोशिश की, उनके जीवन के बारे में पता करने की कोशिश की, वन ऑफ द थिंग्स विच ही मेंशंस अर्ली इज आई लर्न टू डू विद 4 आवर्स ऑफ स्लीप। उन्होंने अपने शुरू की जिंदगी में बताया कि मैंने ये बात सीखी कि किस तरह से 4 घंटे सोकर काम चलाऊं। ऑफ कोर्स शी हैड टू अकम्प्लिश सो मच एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी जिसको पूरा करना था। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर विजिटेड, दैट्स रशिया, विजिटेड इंग्लैंड, जब रूस के प्रधानमंत्री इंग्लैंड में उनसे मिलने के लिए आए, she happened to be sitting next to him at the banquet, और भोज में उनके पास वो बैठी थी। And she said to him, I want to be clear in this matter. और उन्होंने उससे बात कही कि इस मामले में मैं साफ साफ जानना चाहती हूँ कि क्या है। I hate communism. वो बोली, ये बात आप जान लीजिए, मैं साम्यवाद से घृणा करती हूँ। My dear friends, प्यारे दोस्तों, you know normally the eastern habit is to flatter. पूर्वी देशों की यू डोंट टॉक स्ट्रेट टू पीपल। पूर्वी देशों में क्या आदत है? लोगों की चापलूसी करना, सीधे सीधे उनसे बात करने की आदत पूर्वी देशों के लोगों में अधिकतर नहीं। नो वेयर ही स्टैंड्स, वो आदमी को नहीं मालूम वो कहाँ खड़ा है। बट हियर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड making her position absolutely clear. यहाँ पर वो इंग्लैंड की communism thereafter collapsed. और यहाँ थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना जो जिस बात के लिए वो खड़ी होती है साफ साफ कहा, और उसने थोड़े समय के बाद कम्युनिज्म ढह कर गिर गया। Now truth, सत्य, you know when you are humble, जब आप नम्र होते हो, people receive the truth from you, तब लोग आपसे सत्य को पाने के लिए तैयार रहेंगे। I have always tried to speak straight to people. मैंने हमेशा लोगों से सीधे सीधे बात करने की कोशिश की है। I did not seek to be brusque or rude. मैंने कभी भी गुस्से में या कठोरता से बात नहीं की। ट्रूथ हैड टू बी स्पोकन, लेकिन सच उनको बताना जरूरी था। नाउ ए लिटिल सीनियोरिटी इन एज, उम्र में थोड़ा सा बड़े हो जाना, डज नॉट इंडिकेट दैट यू आर ग्रेटर। वो इस बात को नहीं दिखाता कि आप दूसरे से बढ़कर हैं। As a matter of fact, सच्चाई ये है, I find that most people in the East, especially in this country, by 60 years they become soft in their heads. और मैं क्या देखता हूँ कि पूर्वी देशों में, खासकर भारत में, जब आदमी 60 साल का होता है तो वो सचमुच में सठिया जाता है। ఏమిటి సగం పిచ్చి పట్టేస్తుంది దే టేక్ లీవ్ ఆఫ్ దేర్ బెటర్ సెన్స్ లగ్తా హై అబ్ సమజ్దారీ కి జరూరత్ నహీ బచీ హై నౌ మై ఫ్రెండ్స్ ప్యారే దోస్తో ఇఫ్ యూ టర్న్ టు ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ మార్క్ मरकुस के पहले अध्याय पर अगर हम ध्यान दें, यू नो यू मस्ट लर्न टू पुट ऑल द स्क्रिप्चर्स टूगेदर। आपको सीखना चाहिए कि संदर्भ में जितने भी पद हैं उनको इकट्ठे मिलाकर आप पढ़ें।
First chapter, third verse, please. पहला अध्याय और तीसरा पद. The voice of one crying in the wilderness. जंगल में पुकारने वाले की यह आवाज. Prepare you the way of the Lord. प्रभु का मार्ग तैयार करो. That's how he described himself. इस तरह से उन्होंने अपना परिचय करवाया. And the sixth verse. और छठा पद. And John was clothed with camel's hair and with a girdle of a skin. यूहन्ना तो ऊंट के रोए का वस्त्र पहना करता और कमर में चमड़ी का कटीबंध बांधा और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था. And his diet was exceedingly interesting. उनका खाना बड़ा रोचक था. And he did eat locusts. टिड्डियां खाता. And wild honey. और जंगल में मिलने वाला शहद. He did not complaining that he is not getting rich food. उन्होंने ये नहीं कहा अरे मुझे ज्यादा पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है. He took his message from the wilderness to the palace. उन्होंने उस संदेश को जंगल से राजमहल तक पहुंचाया. You know, my dear friends, that's what we are not doing. इसी काम को हम नहीं कर रहे. And I feel very sad. और मुझे बड़ा दुख होता है. Why have we shrunk in moral stature? हमारी नैतिक हालत में हम इतने सिकुड़ क्यों गए हैं? Why have we become spiritual dwarfs? हम आत्मिक बौने क्यों बन गए हैं? Can't we see that same-sex marriage implies that you want to destroy the nation eventually? क्या ये बात हमें साफ साफ नजर नहीं आती कि अगर आदमी आदमी के साथ शादी करे औरत औरत के साथ तो देश आखिर में नाश हो जाएगा. Sometimes I begin to wonder, does the president of America want to plunge that country into ruin? कभी कभी मुझे सोचकर बड़ा दुख होता क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को नीचे गड्ढे में गिराना चाहता है. Of course, many of our politicians today are exceedingly selfish people. आजकल के बहुत से राजनेता बहुत ही स्वार्थी लोग हैं. इस बात में दो राय नहीं है. All that they want is a good, flourishing vote bank. वो क्या चाहते हैं कि उनको भारी बहुमत में वोट मिले. Now, if you turn to First Corinthians, पहले कुरिन्थियों पर हम ध्यान दें. And the fourth chapter, चौथा अध्याय. How does Saint Paul describe himself? संत पौलुस ने अपना परिचय कैसे करवाया. Let's look at that. आइए इस पर ध्यान दें. First Corinthians, fourth chapter. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय. Tenth verse. दसवां पद. We are fools for Christ's sake. हम मसीह के निमित्त मूर्ख हैं. Now, if a husband or a wife decides that he or she is going to be dominant, अगर पति या पत्नी इस बात को निश्चय ले अब मैं अपना हुक्म चलाऊंगा या अपना हुक्म चलाऊंगी. There will not be any peace in that house. उस घर में जरा सी शांति नहीं रहेगी. Just think, if both the husband and wife
apply themselves to the word of God and say, what does God say? लेकिन अगर उसकी जगह उसके बदले अगर पति पत्नी परमेश्वर के वचन के पास जाएं और ये पूछें, प्रभु आपका वचन हमको क्या करने को कहता है? It's very unfortunate that today, because a girl is drawing a bigger salary, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है. आजकल अगर लड़की ज्यादा तनख्वाह कमाती है, उतना बोला ना, शोज द डोर टू द हस्बैंड. वो पत्नी अपने पति को दरवाजा दिखाती है, निकल जा. प्योरली फाइनेंशियल, सिर्फ इस वजह से मैं ज्यादा कमाती हूं. ए डोमिनेंस एंड एन इंटॉलरेंस ड्यू टू मच मनी, पैसे के कारण अपना हुक्म चलाना और जरा सा भी नहीं सहना. We are fools for Christ's sake. हम तो मसीह के निमित्त मूर्ख हैं. You know, if you say you're going to a retreat, अगर आप बोलो हम तो रिट्रीट जा रहे हैं, to your boss, अपने अफसर को, he may say you have lost your head. बोलेगा ना तेरा दिमाग खराब हो गया. The company needs you. कंपनी को तेरी जरूरत है. You know, and when you become sick, जब तुम बीमार पड़ जाते हो, the company discards you. कंपनी आपको छोड़ देती है. Now that is the order of the day. ये आजकल की कार्यवाही है, चाल चलन है. Yes, many people consider us as fools. बहुत से लोग हमें मूर्ख मानते हैं. And I often say I was exceedingly foolish. और मैं तो कहता हूं कि मैं तो बहुत ज्यादा बेवकूफ था. If there is a little wisdom given to me, it is given by God. अगर मुझे जरा सी भी समझ मिली तो मुझे परमेश्वर से ही वो समझ मिली है. Here we are told, यहां हमें बताया गया है. Let's look at the 11th verse. ग्यारहवां पद देखें. 1 Corinthians 4:11. पहला कुरिन्थियों 4:11. Even unto this present hour, हम इस घड़ी तक, that means even right now, इस समय भी, we both hunger, हम भूखे और प्यासे रहते हैं. फूड फूड फूड, खाना खाना. वॉन्ट टू गॉर्ज फूड, लोग अपने गले तक खाना भरना चाहते हैं. टूडे माई स्केल्स शोड मी दैट आई हैड गेन्ड 1 pound. और मैंने जब अपना वजन नापा तो मैंने देखा कि 250 ग्राम मेरा वजन बढ़ गया है. 200 ग्राम. नॉट एट ऑल गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. बट यू सी व्हेन वन ईट्स एट 10 o'clock और 11 o'clock, कोई रात को 10 या 11 बजे खाना खाए, इट डजंट हेल्प योर डायबिटीज, डज इट? क्या इससे आपको, आई एम नॉट ए डायबिटिक, आपको जो मधुमेह का रोग होता है उसमें मदद नहीं मिलती? मुझे ये रोग नहीं है. एंड आई एम सॉरी इफ इन दिस रिट्रीट डायबिटिक्स हैव नॉट बीन गिवन अ स्पेशल डाइट. और इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि अगर आपको मधुमेह है और इस रिट्रीट में आपके लिए खास अलग भोजन नहीं दिया गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं. आई विल सी दैट द मैटर इज रेक्टिफाइड, और मैं इस बात को निश्चित करूंगा कि गलती सुधारी जाए. बट इवन टू दिस प्रेजेंट आवर, और इस घड़ी तक,
We hunger and thirst. हम भूखे और प्यासे रहते हैं. You know, when I hear of people thrown into communist prisons or Islamic prisons, utterly naked, nearly naked. जब मेरे को सुनने में आता है कि जो कम्युनिस्ट जेलों में या इस्लामिक जेलों में लोगों को डाल दिया जाता है तो उनके कारण उनके शरीर पर ना के बराबर कपड़े होते हैं. एंड -10, -20 degrees और -10, -20 degree तापमान. You know, very few people have survived. आप जानते हैं इतनी ठंड में बहुत ही कम लोग बच पाते हैं. But the early Christians, लेकिन आरंभिक मसीह लोग, they lived in caves. वो गुफाओं में रहते थे. Underground caves, I have been there. और ऐसा जमीन के नीचे सुरंग और गुफाएं, और मैं खुद उनको देखा है अपनी आंखों से उन गुफाओं को. They worship there. वहीं पर आराधना करते थे. If they sent an emissary to get a little food, अगर किसी को, and that person was seized, अगर किसी को खाना लेने के लिए भेजा और उस आदमी को वहीं पर रास्ते में पकड़ लिया गया, of course they starved. और वो भूखे रहते थे. They would not disclose the entrances to the catacombs. और वो दूसरों को नहीं बताते थे, जो लोग पकड़े हुए थे उनको, अपने पकड़ने वालों को नहीं बताते थे कि लोग कहां पर हैं. नाउ अब सो नेकेडनेस नंगापन एंड और बफेटेड और मार खाते हैं एंड हैव नो सर्टन ड्वेलिंग प्लेस और मारे मारे फिरते हैं, रहने के सर छुपाने की जगह नहीं. वेल माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, इफ यू एवर हियर दैट द प्लेन ऑन विच आई वॉज ट्रेवलिंग वॉज द टारगेट ऑफ टेररिस्ट and was blown to pieces, rejoice that I went directly to heaven. अगर आपको इस सुनने में आए कि जिस हवाई जहाज में मैं यात्रा कर रहा था आतंकवादियों ने बम विस्फोट करके उसे उड़ा दिया, तो तुम आनंद मनाना क्योंकि वहीं से सीधा मैं स्वर्ग पहुंचा. No certain dwelling place. सर छुपाने की कोई निश्चित जगह नहीं, मारे मारे फिरना. My dad lived in rented buildings all his life. मेरे पिताजी जीवन भर किराए के मकान में रहे हैं. After coming into God's work. परमेश्वर की सेवा में आने के बाद. What contention and what court cases people go through over some dwelling place. किसी घर को लेकर कितने दंगे झगड़े होते हैं, कितने कोर्ट कचहरियों में केस लगाए जाते हैं. सेंट पॉल हैड नो सच डिफिकल्टी. सेंट पॉलिस को इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा. 12th verse. 12वां पद. And labor working with our own hands. और अपने ही हाथों से मेहनत करते हैं. My dear friends, प्यारे दोस्तों, I hope you did pay heed to what John was saying just now. मुझे आशा है कि जो अभी भी जॉन ने बताया उस बात पर तुम आपने ध्यान दिया है. The work ethic, काम को करने का तरीका, it is a Christian heart that produces a real work ethic. और वो मसीह दिल है
जो असली काम करने के तौर तरीकों को निश्चित करता है। व्यक्ति का तो गुणमो ना माई डियर फ्रेंड्स, आई वेंट टू ए प्लॉट वेयर वी वॉन्टेड ए प्रेयर हॉल। मैं ऐसे एक जमीन के टुकड़े के पास गया जहां पर हम एक प्रार्थना घर बनाना चाहते थे। Oh, they said the railway coke, the spent coal was all thrown there. It was a kind of dump for the railways. और वो ऐसी जगह थी जहां पर रेलवे वालों ने जो कोयला खत्म हो गया था उसको वहां पर कचरे की तरह डाल देते थे। Nothing grew there. वहां कुछ नहीं पैदा होता था। I said, मैंने कहा okay, ठीक है, let us remove the top soil to a foot deep. एक फुट तक मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देते हैं। Replace the whole soil. और सारी मिट्टी को दोबारा से बदल देते हैं, उसमें नई मिट्टी डाल देते हैं। You won't recognize that place today. आज उस जगह को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। You know, I find that anything is a problem. आजकल मैं क्या पाता हूँ, हर चीज लोगों को समस्या नजर आती है। You know, there is a little place which needs repairs. एक छोटी सी जगह है जिसकी मरम्मत की जरूरत है। Village next behind us. गांव है वहां पर पीछे, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। I said, why was it not gotten ready for the retreat? मैंने कहा कि रिट्रीट के लिए तैयार क्यों नहीं, some people. ताकि कुछ और लोग वहां रह सकें, क्यों तैयार नहीं हुआ? Oh, we are waiting for the approval of the plans. बोला हमारी जो योजना है उसके अप्रूवल के लिए, उसकी अनुमति के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। Now a bag of cement will flatten that floor and make it adequate. और वहां पर खाली एक सीमेंट का एक बोरी डाला तो जमीन तैयार हो जाएगी। Look friends, that's how I have grown and developed God's work. इस तरह से प्रभु की सेवा। I didn't wait for the government to come forward with their great approvals. सरकार के बड़े बड़े सम्मतियों के लिए मैंने अनुमति के लिए इंतजार नहीं किया। Labor with our hands. अपने हाथों से काम किया। My being reviled, we bless. हम पर जो बुरा बोलते हैं उनका आशीष देते हैं। We suffer it. हम सताए जाते हैं तो सह लेते हैं। Now a Christian heart. एक मसीह दिल। You don't know how rich a Christian heart is. आप नहीं जानते कि एक मसीह दिल कितना अमीर है। Bless them that curse you. जो शाप दें, जो निंदा करें उन्हें आशीष दो। Do you know what blessing there is in that process? क्या आप जानते हैं उस प्रक्रिया में कितनी बड़ी आशीष छिपी हुई है? You get to be Christ-like. आप मसीह जैसे बन जाते हो। God-like. परमेश्वर जैसे। He sendeth his rain upon the just and the unjust. वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश को भेजता है। Yes. हाँ। You become great in your heart. आप दिल में बड़े हो जाते हो।
what is the natural response? आदमी का स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है? Oh, what shall I do to retaliate? उसका पलट कर जवाब देने के लिए मैं क्या करूं? बदला लेने के लिए क्या करूं? I must give double. इसका दोगुना मैं दूंगा. Two teeth for one tooth. एक दांत तोड़ा मैं दो तोड़ूंगा. Oh, my dear people. प्यारे लोगों. Now, last of all, let us see what Jesus was referred to as. आइए देखें प्रभु यीशु की का परिचय किस तरह से करवाया गया. Mark 6 chapter and the third verse. मरकुस 6:3 मरकुस 6 अध्याय और तीसरा पद. What did they call him? The great savior? क्या क्या लोगों ने प्रभु यीशु को कहा अरे तो महान मुक्तिदाता है? No. नहीं. Is not this the carpenter? अरे ये बड़ी नहीं है क्या? The son of Mary. जो मरियम का बेटा है. You know, I really think. मैं सोचता हूँ. People who claim they are Christians are just not so. बहुत से लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि वो मसीह हैं, ईसाई हैं, वो असलियत में नहीं है. You just imagine. जरा कल्पना कीजिए. The maker of heaven and earth, without whom was nothing made. That was made. धरती आकाश को बनाने वाला जिसके बिना कुछ नहीं बना जो बना है. He was referred to as, oh, he's our local carpenter. अरे ये तो हमारे यहीं का बड़ा ही है ऐसे कहकर उनका परिचय करवाया जाता था. There is a son of, you know, another carpenter. अरे दूसरे एक बड़े का बेटा है. That's all. बस इतना. Did Jesus say, "No, I am the maker of heaven and earth"? क्या प्रभु यीशु ने पलट कर जवाब दिया अरे नहीं नहीं मैं तो धरती आकाश का बनाने वाला हूँ. My dear friends, you better believe this. अरे लोगों आप इस बात पर भरोसा करो. I was given a very important assignment. मुझे एक बहुत बड़ा जरूरी काम सौंपा गया. In the city of Birmingham. बर्मिंगम शहर में. And soon after my marriage, I left to help them in Birmingham at a big crusade. शादी होते ही जल्द मुझे बर्मिंगम में क्रूसेड था वहां पर मदद के लिए जाना पड़ा. And there, और वहां पर I would run out of money. और वहां पर I had to address a prayer meeting every noon. हर दोपहर. In the center of the city. शहर के बीचों बीच दोपहर. इंग्लैंड में बर्मिंगम में दोपहर को एक प्रार्थना सभा में मुझे संबोधित करना पड़ता था हर रोज. And I did not even have the few pennies, the bus fare to go there. और बस का किराया भी मेरी जेब में नहीं बचा जो कुछ पैसे किराए के लगते थे. And I didn't ask anyone. मैंने किसी से नहीं मांगा. An old lady, a pensioner, came to me. और एक बुजुर्ग औरत जो पेंशन लेती थी. And she gave me £1. और उन्होंने मुझे एक पाउंड पैसा दिया. A huge amount to me. मेरे लिए वो बहुत बड़ी कीमत थी. God asked me to give you this. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुमको ये पैसा दूं मैं. So I was never afraid of poverty or no money. और मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं इस बात को लेकर मुझे कभी चिंता नहीं होती थी. Some of you despise the day of small things.
और आप छोटी यू वांट मनी तुम पैसा चाहते हो, छोटी शुरुआत को तुम नजरअंदाज करते हो, उसका तिरस्कार करते हो, तुमको ज्यादा बड़ा पैसा चाहिए। मैरिज मीन्स मनी, शादी का मतलब पैसा। What does she earn? What does he earn? ये कितना कमाती है, वो कितना कमाता है? Has he got any property? क्या इसके पास कुछ संपत्ति है? What absolute nonsense! You despise the lifestyle of Jesus. तुम प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली का तिरस्कार कर निंदा करते हो। You want to be a disciple of Jesus, you say. और तुम कहते हो कि मैं तो यीशु मसीह का चेला हूँ। You know, people used to want their children when the fellowship began, and we, you know, I went to college, and some of the young fellows would gather and pray out in the bushland. मेरे कॉलेज के दिनों में जब हम फेलोशिप में जब कॉलेज में प्रार्थना के लिए जाते, बहुत से नौजवान हम मिलकर झाड़ी में जाकर मिलकर प्रार्थना करते थे, तो उनके माँ बाप, बहुत से माँ बाप चेतावनी देते थे अपने बच्चों को। भाई पढ़े वार एंड दे वुड से बी केयरफुल ऑफ दोस बुशमैन, और कहते थे अरे वो झाड़ी में प्रार्थना करने वाले हैं, सावधान रहना, उनसे दूर रहना। स्नेक्स वुड बाइट बट नो इफेक्ट, सांप काट लेता लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। यस, हाँ, पुटिंग गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहला स्थान देना। यू नो इफ द लाइफ स्टाइल ऑफ जीसस वर गिवन टू यू, योर पेरेंट्स वुड बी highly disappointed and displeased. अगर प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली आपको दे दी जाए तो आपके माँ बाप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएंगे। And some of you wives will say goodbye. और बहुत सी पत्नी अपने पति को कहेंगी टाटा बाय बाय। Oh how sad! कितना दुख की बात है। We call this the gospel, God's spell, good story. और इसको हम सुसमाचार कहते हैं, खुशखबरी। And yet we have taken the goodness out of it. लेकिन उससे सारा खुशी को और भलाई को हमने निकाल दिया। A false Christianity. एक झूठी मसीहत। Afraid of missionary work. मिशनरी सेवा से डरना। What a sad state. कितने दुख भरी हालत ये है। My dear friends. मेरे प्यारे दोस्त। Let me tell you after 70 years what I have found. 70 साल सेवा करने के बाद मैंने क्या पाया है मैं आपको बताऊं। There are no disappointments in Christ. यीशु मसीह में कोई निराशा नहीं है। Only appointments. सिर्फ नियुक्ति है। And whatever he appoints. और जो कुछ भी वो नियत करते हैं। It's good for me. वो मेरे लिए भला है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। लविंग फादर, प्यारे पिता, लेट अस नॉट टेक द गुडनेस आउट ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार से भलाई को हम निकाल न फेंकें। लेट अस नॉट फॉर्मुलेट अनदर गॉस्पेल, और कोई अलग ही तरह की के सुसमाचार को पैदा न करें। ये St. Paul could say, even to this present day we hunger. अगर संत पौलुस इस बात को कह सके कि इस घड़ी तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। When I see the exploits of your children, जब मैं आपके बच्चों के
किए हुए बड़े बड़े कामों को देखता हूँ. What a miserable Christian life we live. हम कितनी दयनीय गिरी हुई हालत की मसीह जीवन को हम जीते हैं. Oh, teach us to live like Jesus. सिखा के यीशु मसीह की तरह से हम जिए. Then we would wipe away the tears of multitudes. तब हम बहुत से लोगों के आंखों के आंसू पहुंच पाएंगे. Oh, my Father. हे मेरे पिता. Who are you? आप तू कौन है? Oh, I am an engineer. मैं एक इंजीनियर हूँ. I am a computer software man. मैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आदमी हूँ. We like to brag and boast. हम तो अपनी बड़ाई करना पसंद करते हैं. But when John the Baptist was asked, लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया, Who are you? तू कौन है? I am only a voice in the wilderness. मैं तो जंगल में खाली एक पुकारने वाले की आवाज हूँ. I have no bank account. I have no university degree. ना मेरा बैंक में खाता है, ना मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री पाई है. Oh Lord, what a satisfied, contented people. कैसे प्रभु जी संतुष्ट लोग हैं. अवंग इरंदांग. But take away all grumbling and discontentment from us. प्रभु जी सारी शिकायतों को, शिकायतों करने वाले स्वभाव और असंतुष्टि को दूर कर. Holy name. यीशु के पवित्र नाम में. Amen.